हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक मसाला में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ सारिक, आपका दोस्त। आपके लिए आज एक न्यू इंटरेस्टिंग कमाल का ट्रिक लाया हूँ। जियो कस्टमर केयर से बात कैसे करें, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप 24 घंटा बात कर सकते हैं। एकदम आसान सिंपल ट्रिक बताऊंगा मेरे दोस्त। दोस्तों, इस ट्रिक को सीखने से पहले आप लोगों से एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो के साइड में देखिए लाल सब्सक्राइब का बटन है, इसमें क्लिक करना आपको। फिर देखिए घंटी आएगा, इसको प्रेस करके ऑल में दबाना। और दोस्तों, यहाँ नीचे ऐड पब्लिक में यहाँ पर आपको टाइप करना है जियो कस्टमर केयर नंबर, फिर सेंड कर देना। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक के लिए आप लोगों को अपना डायलर पे जाना है। सभी के फ़ोन में डायलर होता है, यहाँ पे मैं दो नंबर बोलूँगा जिससे कि 24 घंटा आप बात कर सकते हैं। तो पहला नंबर है 198। देखिए 198, इससे मतलब अपना जियो नंबर से कॉल लगाना है। ये है पहला नंबर। दोस्तों, ये नंबर का और भी मतलब फ़ायदा है, क्या है मतलब 198 से मतलब कोई भी वोडाफोन आइडिया या एयरटेल कोई भी नंबर हो, कोई भी सिम का मतलब नंबर से आप मतलब ये नंबर कॉल करेंगे तो उसका कस्टमर केयर पे लगेगा। मान लीजिए वोडाफोन कस्टमर केयर पे लगाएंगे तो 198 ये वोडाफोन नंबर से डायल करेंगे तो वोडाफोन कस्टमर पे लगेगा, और मतलब 198 से एयरटेल कस्टमर केयर पे लगाएंगे तो एयरटेल कस्टमर पे लगेगा, और 198 से जियो पे लगाएंगे तो जियो कस्टमर केयर पे लगेगा। मतलब 198 से सभी सिम का मतलब कस्टमर केयर पे कनेक्टेड है सभी का, वही मतलब हर हर नंबर से मतलब ये नंबर पर कॉल लगाने पर उसका कस्टमर केयर पे लगता है। आप ट्राई करके देखिए, 100% वर्किंग है। ये था पहला नंबर 198। और दूसरा नंबर है, आप कहीं पर नोट कर लीजिए, 1800889999। देखिए ऊपर आ गया जियो कस्टमर केयर। देखिए ये है दूसरा नंबर। ये दो नंबर पर आप 24 घंटा बात कर सकते हैं जियो कस्टमर केयर से, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा, आप ट्राई करके देखिए। 100% वर्किंग ट्रिक है, पहला जो बोला है 198, उससे भी मतलब 24 घंटा आप बात कर सकते हैं, तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं। ये दो नंबर पर आप कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो पे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।